उत्तरायणी गंगा, खास करके निर्मल गंगा कहा जाता है, जीवनदायिनी गंगा होती है, लेकिन गंगा जब प्रलय पर आती है, जब अपने प्रचंड तांडव मचाती है, उसका एक नज़ारा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इन दिनों गंगा नदी में बाढ़ का प्रकोप बक्सर जिले के 6 प्रखंड के लोग लगातार झेल रहे हैं। बक्सर में गंगा नदी खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर करीब करीब अभी हाई लेवल पे पहुंच गया है। ये रिपोर्टिंग 10 बजे दिन तक केंद्रीय जल आयोग द्वारा दी गई है। वहीं एक और हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जिस तरह से जल का जलजला आप देख सकते हैं कि गंगा नदी का रौद्र रूप किस तरह से इस इलाके में यहाँ पर है और यहाँ पर स्थिति क्या है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्टिंग के मुताबिक, जो केंद्रीय जल आयोग के रिपोर्टिंग है, उसके मुताबिक 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गंगा का जलस्तर का बढ़ाव हो रहा है। वहीं एक अन्य आपको बड़ी जानकारी दे दें कि बक्सर सेंट्रल जेल के बाहरी परिसर में गंगा के बाढ़ का पानी अब बाउंड्री वाल को छूने लगा है। लगातार गंगा का पानी जो है, यहाँ आप देख सकते हैं नज़ारा कि तस्वीरों में किस तरह से है। अपने सहयोगी को कहेंगे कि जरा क्रॉस करके दिखाएं। यह बक्सर सेंट्रल जेल का बाहरी चार दीवारी है और इस चार दीवारी के पश्चिमी और उत्तरी किनारे पर थोरा नदी और गंगा नदी का जल स्तर पूरी तरह यहाँ बाउंड्री से टच करने लगा है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो गंगा का पानी है, क्या जेल के बाउंड्री के अंदर प्रवेश करता है या सिर्फ बाहर में ही रह जाता है। क्या लग रहा है सर आपको? जिस तेजी से मतलब गंगा जी बढ़ रही हैं, लग रहा है कि पानी अंदर जा जाएगा और थोरा और गंगा जी मतलब बुझा रहे हैं। गंगा जी के थोरा नदी कोई नहीं बुझा रहा। यहाँ से मतलब गांव जैसे तुरचकिया हो गया, जरिगामा हो गया, थोरा बवार नदी हो गया, सब मतलब सब परेशान है। गाँव बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो गंगा का अभी जो रौद्र रूप है, सहायक नदी थोरा और अन्य नदियों में जिस तरह से अब जल ग्रहण क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों में तबाही मच रही, तो कौन कौन से थोरा नदी से कौन कौन गांव प्रभावित हो रहे हैं? थोरा नदी से जैसे मान लीजिए ये तुरचकिया हो गया, सटले फिर से गोबिनापुर हो गया, जरगावा हो गया, और उसके बाद आपको इटाड़ी से पूरा जितना जितना पड़ता है मतलब पूरा वो है, मतलब इटाड़ी प्रखंड तक पूरा अतरौना वगैरह अतरौना सब पूरा एकदम बराबर लेवल में है। अच्छा, अभी जहाँ आप खड़े हैं ये कौन सा जगह है? अभी हम लोग सोमेश्वर स्थान खड़े हैं, सोमेश्वर सेंट्रल जेल के पीछे। तो सेंट्रल जेल के बाउंड्री तक पानी देख रहे हैं? हाँ जी, मतलब पूरा अंदर चला गया है पानी, सील के मतलब। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको 2 फीट है बाउंड्री से, 2 फीट ऊपर पानी है तो अंदर ही पानी गया होगा। तो बाहरी चार दीवारी है ये तो? हाँ, इसके अंदर भी 2 चार दीवारी है, मतलब फर्स्ट वाला जो है मतलब उसमें पानी एंट्री कर गया है। किधर किधर से पानी गया है अभी तक? अभी तो फिलहाल इधर से गया है और मतलब उधर से थोराबाग नदी से, मैंने उत्तर किनारे से और पश्चिम किनारे से, दो तरफ से जेल के 2 किनारे से पानी मतलब वाल में अंदर चला गया, अंदर चला गया। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ पर आपके सोमेश्वर स्थान में सब्जी की खेती बहुत होती थी। हाँ, थोरा गांव में सब्जी की खेती, तो आप लोग तो परेशान। हाँ, तो थोरा का मतलब पूरा सब्जी डूब गया, आप इधर देखिए इधर कुमारा घुमाया तो पूरा ये सब्जी रोड पे कुछ दिन में मतलब कुछ क्या हो सकता, शाम तक रोड पे भी पानी मतलब टच कर जाएगा सोमेश्वर स्थान, जिस मतलब तेजी से गंगा जी बढ़ रही है। सेंट्रल जेल के गेट के पास भी पानी आ जाएगा? हाँ, वो भी आ जाएगा, जब रोड पे मान ली तो गेट ही तो रोड ही पे ना है जी। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार नाम पड़े, दीपक कुमार चौधरी। दीपक कुमार चौधरी जी बता रहे थे कि जिस तरह से गंगा का रफ्तार बढ़ रहा है, उस तरह से निश्चित तौर पर कहा जा सकता है मछली मिल रही है। मछली नहीं मिल रही है, मार रहे हैं। मार रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, इससे पहले भी ऐसा बाढ़ आया था का? हाँ, पहले ऐसे बाढ़ आया है। आया है, तो अभी क्या क्या स्थिति है? स्थिति अभी बढ़ने की संभावना है, बढ़ने की संभावना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्री मोहन चौधरी। कहाँ घर है? गोपाल नगर चकिया। गोपाल नगर चकिया के थे, एक नौजवान भाई भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। ये बताइए कि थोरा नदी और गंगा नदी के अभी आप संगम पे खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ और बिहार की तरफ क्या स्थिति है ग्रामीण इलाकों में? स्थिति है कि अभी पानी बढ़ेगा। अभी ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है? अभी यही ग्रामीण इलाका में कि बोल दे नाव, हम लोग का नाव गया, हम लोग अंदर गया है। अभी थोड़ा नदी में अभी 6 नाव गया है अभी। अच्छा, हाँ, 4 नाव चला गया है, वहाँ पर 2 नाव अभी बना है। कहाँ? गांव के लिए थोड़ा नदी पर लगे। तो कहाँ गया है गांव?
गांव में। गांव में तो आप लोग मल्लाह जाति से हैं? मल्लाह जाति के। अच्छा, तो एक बात और बताइए, किस रफ्तार से गंगा बढ़ रही है? बहुत तेजी में बढ़ रही है अभी, बहुत तेजी में। तो अभी आप जहाँ खड़े हैं तो सेंट्रल जेल के बाउंड्री की तरफ भी पानी आ गया है, पूरा अंदर तक पानी है, वो साइड तक ले दीवार के लगे तक। हाँ, ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिस तरह से गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, खासकर थोरा नदी और अन्य सहायक नदियों में जिस रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, देखने और समझने का प्रयास करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि गंगा का प्रलय अन्य इलाकों में किस तरह से अभी कहर बन करके सामने आ रही है, प्रशासनिक स्तर पर क्या व्यवस्था दी जा रही है। जिस तरह से अभी हमने दिखाया थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले कि बक्सर सेंट्रल जेल के बाहरी चहारदीवारी के पास भी अब गंगा नदी का जल जो है वो सटने लगा है, जेल के उत्तरी और पश्चिमी किनारे पे जिस तरह से अब तेज धार गंगा की तेज धार बह रही है, वहीं अब हम पहुंचे हैं बक्सर के ऐतिहासिक श्री रामरेखा घाट पर। आप देख सकते हैं रामरेखा घाट का ये नज़ारा, यह विवाह मंडप है, जो विवाह मंडप पूरी तरह गंगा का जल कहर अब जो बरपा रही है गंगा नदी, उसका एक असर देखने को मिल रहा है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी जल का जलजला ही, माँ देवी की प्रतिमा से लेकर के तमाम जो यहां व्यवस्थाएं हैं वो अब पूरी तरह यहां गंगा के जल में अब जल प्लावित हो चले हैं। बक्सर में जिस रफ्तार से गंगा नदी बढ़ रही है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गंगा का रफ्तार बक्सर में अब रेड लेवल पार करने के बाद 42 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हमारे साथ है यहाँ पुजारी जो कि विवाह मंडप में रहते थे, जानते हैं उनसे किस तरह से भगवान की अभी आराधना कर रहे हैं। भगवान तो जल में हो गए। हाँ, जल में हो गए। हफ्ता से, हफ्ता भर से मैं यहीं पूजा कर रहा हूँ। लगातार पूजा पाठ यहीं आप कर रहे हैं? जी, जिस तरह का पूजा पाठ का व्यवस्था। एक बात बताइए, गंगा का जल स्तर का क्या लग रहा है आपको? लग रहा है अभी एक दो दिन और बढ़ेगी गंगा में, अभी बढ़ेगी जी। स्थिति भयावह हो गई है, बहुत भयावह यहाँ, पूरी तरह क्या नाम है आपका? पुजारी मोती बाबा। तो मोती बाबा पुजारी जो बता रहे थे, साथ ही साथ यहाँ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। कुछ दुख दर्द भी है, कुछ समस्याएं भी हैं, साथ ही साथ यहाँ लोगों के बीच में जिस तरह से आज पिछले 15 दिनों से स्थिति हो गई है, अब लोग तंगो तबाह परेशान भी हैं। हमारे साथ एक बक्सर शहर के युवा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या गंगा का जल देखने आए हैं? देखने आए हैं तो एक तरह से कहिए तो किसान इस समय दोहरी मार चल रहा है, एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ बाढ़ है। जिसका फसल हुआ तो वो बाढ़ के पानी में बर्बाद हुआ, जहाँ पानी नहीं हुआ वो लोग सूखे से परेशान है। यहाँ के पंडा समाज के लोग हैं जिनका मुख्य जीविका उपार्जन का स्रोत है पूजा पाठ, वो भी अब उनके ऊपर भी अपने जीविका चलाने के लिए संकट मंडरा रहा है। लेकिन गंगा नदी तो अब कहर बन गई है। ये तो कहर बन गई है, धीरे धीरे अगर यही हालात रहा 2-3 दिन और ज़्यादा परेशानी का हम लोग सामना करना पड़ेगा। अभी आप ग्रामीण इलाकों से भी आते हैं, अभी आप रामरेखा घाट, कौन कौन इलाका अभी प्रभावित है? अगर इधर आप जाइएगा कैमूर, अगर जिले में प्रवेश करना है आपको तो बनारपुर साइड में, वहाँ पे पुल पे लगभग 4 फीट पानी चल रहा है, स्टेट हाईवे बंद हो चुका है, जो भी गाड़ियाँ हैं वो इधर सरंजा होते हुए जा रही है। इधर आइएगा तो चक्की के साइड में जितने भी डेरे हैं सारे बाढ़ से ग्रसित हो गए, पशु का चारा से लेकर आदमी के जीवन यापन पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। प्रशासनिक स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो आप चूंकि एक नौजवान हैं तो क्या स्थिति है? देखिए, जैसे कि प्रशासन को पहले से जानकारी है कि बाढ़ आने वाली है, हर साल का है, एक साल का नहीं है, तो प्रशासन को पहले से तैयार रहना चाहिए। तैयारियां काफ़ी धीरे स्थिर प्रभाव में, जिस प्रकार से होनी चाहिए वैसी नहीं है, संतोषजनक नहीं है, संतोषजनक नहीं लग रहा जी। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत तिवारी। तो ये कृष्णकांत जी बता रहे थे कि किस तरह से इलाके में अभी हालात है, क्या लग रहा है यहाँ गंगा का बाढ़ का? गंगा का बाढ़ का तो है कि जल स्तर बहुत बढ़ रहा है, अभी बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग का भी रोजी रोटी इसमें जो है कुछ नहीं, हम लोग क्या नाम है आपका? विजयकांत।
विजय जी बता रहे थे, सब आजकल बेरोजगार हो गए हैं कहाँ? एकदम पूरा माँ गंगा ने बेरोजगार कर दिया, और इस पानी का कोई ठीक नहीं है कि कब तक बढ़ेगी। ये तो माता की इच्छा है, प्रभु नारायण की कृपा है, जितना दिन बढ़े। अभी तो खतरे के निशान से नीचे है, नीचे है। बक्सर में खतरे के निशान से हल्का, पूरा जब आ जाएगी। हम लोग एक निशान लगाए हुए हैं, वो जो मंडक देख रहे हैं ना, वो मंडक के जब पूरा छाजन जब पकड़ लेगी ना, तो समझ जाइए कि इधर गियर इधर पूरा समाप्त, पूरा एरिया चौसा उसा पूरा तबाही है, तबाही है। सरकार का जो वैज्ञानिक तकनीकी है और ई तकनीकी आप लोग जो बता रहे हैं जी, असली गंगा का निशान यही है क्या? हाँ, हम लोग असली निशान, जो मंडप का छजा है ना, हाँ, असली निशान लगा कर बैठे हुए। क्या नाम है आपका? जय शंकर पांडे। तो बाबा आप क्या मानते हैं कि गंगा का बाढ़ से कितना परेशानी है? परेशानी तो इधर सब दियारा में सब तबाह है। दियारा में कहाँ कहाँ? चौकी के डेरा, मानिकपुर, कथरा, ईसेमरी, ऐसे सब तबाही है इसी जल से, गंगा इसी जल से जी। अभी और जाएगा तो और तबाही मच जाएगी, मतलब चिड़ामनपुर पौड़ी इलाके के नीचे वाला भाग में जल चला आता है, 2 फीट पानी बढ़ जाएगा ना, तब मैं मझरिया ढूंढ का पूरा ऐसे सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तो बर्बादी है, नहाने का जगह नहीं है, न बैठने का जगह है, पानी ऊपर चला आया है, यात्री को नहाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। लेकिन प्रशासन तो रोक लगाई हुई है नाव के परिचालन नहाने पर। लगाई है तो जो पूजा पाठ वाला है तो जगह पर आरी पर पूजा पाठ करके चले जाते हैं, वो भी जगह मौजूद नहीं है यहाँ पर, मतलब दिक्कत हो रही है। तो निश्चित तौर पर समस्याएं अनंत हैं, जिस तरह की समस्याएं हैं, आप क्या मानते हैं बाबा? देखिए हमारे साथ हैं यहाँ अध्यक्ष और सचिव महोदय भी, उनसे भी पूरा प्रकरण समझेंगे। कितना दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, बेरोजगार हो गए? 15 दिन से बेरोजगार हम लोग हैं। 100 पंडा के 5000 परिवार है बेरोजगार के। हम लोग अपना बाल बच्चा का पालन पोषण करते हैं, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ भी गंगा जी बढ़ रही है, ऊपर आ गई है, इसलिए इस पर सरकार विचार करे ताकि पंडा लोगों को बाल बच्चा के लिए कुछ उनको मिलना चाहिए। और इस तरीका से बाढ़ चल रही है और पंडा समाज के पूरा पंडा लोगों का रोजगार बंद हो गया है, कोई रोजगार नहीं है। हमारा नाम रामबचन पांडे, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष रामरेखा घाट के थे, ये बता रहे थे। अब यहाँ जो गंगा आरती समिति के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं रामरेखा घाट के, उनसे पूरा मामला समझेंगे कि बाढ़ का कहर, प्रशासनिक व्यवस्था, कितने लोग बेरोजगार, क्या हालात है, किस तरह से आप लोग 15 दिनों से जिंदगी कट रही है। जिंदगी कटने की बात हम कर रहे हैं। हम लोग रामरेखा घाट के विश्व प्रसिद्ध रामरेखा घाट है, और हम लोग पूरे बाल बच्चा पूरे बस्ती इस शरद प्रखंड में हम लोग का गांव हुआ, गंगा माँ पर ही हम लोग आकर्षित हैं। 265 घर हम लोग गंगा माँ पर आकर्षित है रामरेखा घाट से। जीविका हम लोग का रामरेखा घाट ही हुआ। हेलो। और गंगा माँ 15-20 रोज से लगातार बढ़ रही है, अभी बढ़ेगा, खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। हम लोग बेरोजगार 15-20 रोज से बैठे हुए हैं, समस्या तो खड़ा हो चुका है, लेकिन हम लोग ऊपर कोई विचार नहीं, जिला प्रशासन केंद्र सरकार कर रही है ना राज्य सरकार। अच्छा, मछुआरा समाज के भी लोग तो आजकल बेरोजगार हो गए, वो भी लोग बैठ गए हैं। वो लोग भी गरीब आदमी हैं, जो मुंडन तना पूजा पाठ होता था, वो लोग भी कुछ कमा लेते थे, हम लोग भी कमा लेते थे, रोजी रोटी चलता था। लेकिन हम लोग मछुआरे भी बैठे हुए हैं, मलाह लोग और पंडा लोग भी, दुकानदार लोग भी साथ में बैठे हुए हैं, कोई यहाँ ही नहीं है। जिला प्रशासन प्रतिबंध लगा दिया स्नान ध्यान पूजा पाठ पर, हम लिखा है क्योंकि गंगा माँ बढ़ रही है। अच्छा, प्रशासनिक पहल अगर हम लोग बात करें तो सुरक्षा, मजिस्ट्रेट, गोताखोर, क्या रामरेखा, सब झूठ मूठ के बयानबाजी हो रहा है कि हम लोग रामरेखा घाट पे
पुलिस जवान भी दिए हुए हैं, मजिस्ट्रेट भी दिए हुए हैं, गोताखोर एक भी दिखाई पड़ रहा है सर? कहाँ दिखाई पड़ रहा है? आपके सामने है ए नौवा बार कटना तब मालिक अगवे बार, आपके सामने भी दिखाई पड़ रहा है, एक भी कोई जवान दिखाई पड़ रहा है? पूरे रमरेखा घाट आप सर्वे कर लीजिए, घूम लीजिए, तो सब झूठ मूठ का अफवाह चल रहा है, जितना चल रहा है सब झूठ मूठ का तीर आकाश में मारा जा रहा है। परेशान है आप लोग? हाँ, परेशानी तो जरूर है। अच्छा, मछुआरा समाज के लोग अब कहीं दूसरे जगह पलायन कर गए हैं का? ओ लोगों का ड्यूटी पड़ा हुआ है, बाढ़ जो आया हुआ है चौसा क्षेत्र में, जैसे कि बनारसी करहसी, वो लोग में उन लोगों का ड्यूटी पड़ा हुआ है। इधर जो दियारांचल क्षेत्र है सिमरी में, चक्की धुंदाई की पूरा, बहुत से सैकड़ों गांव है जो बाढ़ में ग्रस्त है, उन लोगों के लिए बचाने के लिए उन लोगों को ड्यूटी जिला प्रशासन दिए हुए नाव लेकर के गए हुए, लेकिन बाबा लोगों के ऊपर संकट गहरा किया। अच्छा, मुक्ति धाम में भी सुन रहे हैं कि बहुत समस्या? वहाँ भी मुक्ति धाम में जो आ रहे हैं सब, जलाने में भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि गंगा माँ का कहर सब पानी पानी ही है, वहाँ भी कष्ट हो रहा है आम पब्लिक के लाश जलाने में, इस पर भी जिला प्रशासन विचार करे। पर गंगा का कहर जिस तरह से अब जिले के अंदर में ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में अपना कहर बरपा रहा है, लोग तंगो तबाह हैं, अभी जिस तरह से रोजी रोटी का संकट खासकर पंडा समाज और मछुआरा समाज के लोगों के बीच, यहाँ स्थानीय रामरेखा घाट पर जो फुटपाथी दुकान चलाते हैं लोग उनके बीच जिस तरह से रोजी रोटी की समस्या आई है, वहीं बक्सर जिले के दियारा इलाके ग्रामीण इलाकों में लोगों को अब गांव के गांव जो है चारों तरफ से गंगा का जल स्तर बढ़ने से घिर चुके हैं लोग परेशान हैं, मवेशियों का चारा नहीं है, लोगों को राशन की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा SDRF NDRF की टीम के साथ तमाम एहतियात की व्यवस्था की गई है। देखने वाली बातें होंगी कि बक्सर जिले में गंगा नदी का जो कहर अब चल रहा है, इस पर किस तरह से लोग निजात पा सकते हैं। वहीं कशिश न्यूज आम लोगों से अपील करती है कि गंगा नदी में जिस तरह से बाढ़ का कहर चल रहा है, गंगा नदी के पानी में प्रवेश से अपने आप को बचाएं, सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर रहें, साथ ही साथ जिला प्रशासन के तमाम जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उस निर्देशों का पालन करते हुए यहां पर बक्सर जिले में जो गंगा का कहर अभी चल रहा है, इस पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अन्य इलाकों में देखेंगे कि क्या स्थिति है गंगा के नदी का, जल प्रवाह इलाका किस तरह से प्रभावित हो रहा है। अब हम पहुंचे हुए हैं बक्सर नगर परिषद इलाके का वार्ड नंबर 15-16, जो नया वार्ड अभी गठित हो रहा है परिसीमन के आधार पर। आप देख सकते हैं यहाँ जो गंगा नदी के किनारे के इलाके हैं उसमें किस तरह से घरों में लोगों का पानी प्रवेश कर गया है, लोग परेशान हैं, किस तरह से लोग आ जा सकते हैं, क्या लोगों के साथ दिक्कत है, उनका दर्द समझने का प्रयास करेंगे। शहरी इलाकों में जब ये हालात हैं, जब ये परिस्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी। लगातार आप देख रहे होंगे कि दूर दूर तक जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी सभी मकान के प्रथम तल के दरवाजे तक पूरी तरह जल प्लावित हो गया है, लोग यहाँ अब किसी तरह ऊंचे स्थान की तलाश में लगे हुए हैं, साथ ही साथ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो सरकार का जो चापाकल था वो भी अब यहाँ पानी में अब है, लोगों को पेयजल की भी संकट समझ में आ रही है। बहन जी, बाढ़ का तो पानी अब आ गया आपके? हाँ, गंगा माँ आ गई है। परेशान है? अरे परेशानी तो सबको होगा, सबको परेशानी? हाँ, परेशानी तो सबको है। इधर आपके आगे के जो मकान है सब, उन लोगों को तो आने जाने में भी दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत तो है ही। अच्छा, प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यवस्था? अब व्यवस्था तो आप लोग ना करना चाहेंगे, अभी नहीं हो पाई है? नहीं है, पीछे से निकलने का रास्ता पीछे से है। हाँ, लेकिन दिक्कत होता है उन लोग आने जाने में, सब समस्या से लोग जूझ रहे हैं, सब परेशान है। हकीकत में लोगों के बीच में दर्द है, परेशानी है, बहुत दिक्कत बा।
हाँ दिक्कत तो बटले बा पानी में हो करके तब घर में जाई नहीं हमारे ने घर नहीं है उन्ने बाबा की फिर भी हमारे घर में अंडरग्राउंड में पानी आयल बा अच्छा। नीचे पानी आ गई बा नीचे पानी आ हाँ परेशान बनी हाँ सब परेशान है बा तो कई दिन से पानी आयल बा ये पानी चार पाँच दिन हो गए अच्छा कौन तरह के सुविधा सुविधा प्रशासन कुछ देख रेख कैल है कोई ना ना का नाम है मुन्नी देवी तो ये मुन्नी जी क्या क्या बोल रही हैं प्रशासन क्या कर रहे इतना पानी है घर में अंदर उठोगा है बड़का बड़का सांप उपाय जानवर छोटे छोटे बच्चे बन जाए और तो कोई नहीं पूछे वाला नहीं है कोई सुविधा नहीं मिल रही है नहीं तो कितने दिन से आप लोग पानी में है पाँच छः दिन से पानी आए हैं पाँच छः दिन से हाँ तो रात उसमें तो और डर लगता होगा हाँ घर में पानी आ गया है अंदर अंदर आ गया हाँ परेशान है परेशानी तो है परेशानी होके क्या अगर आप लोग कह के जाएंगे कुछ करेंगे तब तो पर तो ये हाल भाई आई के कह के नहीं जा कोई कुछ दिया ना ली है आ वही में अपन लैकन लेके गुजारा कर ला आदमी क्या नाम है आपके रंभा देवी तो ये रंभा जी थी और साथ ही साथ कई लोग हैं ए भाई साहब यही रहते हैं जी क्या परेशानी हो रही है परेशानी है नहीं देख रहे सब मर रहे खेले बिना ये बाढ़ आ गया है कैसे खाएगा कैसे कमाएगा कोई पूछने वाला है सब सरकार अपना पेट देख रहा है पूछे के कौन ये सब बच्चा लोग पानी में दह रहा है मर रहा है खाने को कोई देगा तब ना जिएगा बच्चा समस्या हो रही बहुत समस्या नहीं देख रहे आप नहीं देख रहे हैं हम तो पूछने क्या जरूरत है देखिए इधर क्या नाम है आपका दीपक कुमार तो दीपक जी दर्द बयां कर रहे थे हमारे साथ हैं इस वार्ड के वार्ड प्रतिनिधि महोदय उनसे पूरा समझेंगे कि किस तरह का ये हालात है इसके लिए क्या क्या आप लोग प्रशासन क्या दे रहे हैं प्रशासन व्यवस्था देखिए हमारा वार्ड जो है तटीय क्षेत्र पर है और परेशानी हर साल ही आती है 2013 में जो बाढ़ आई थी वो थोड़ा सा अधिक था उस वक्त उस साल भी आपने इस पर संज्ञान लिया था इस पर एक वीडियो बनाया था न्यूज़ बनाया था आपने उस साल लोगों को मदद मिली थी लोगों को जो बाढ़ उखाड़ की योजना के तहत जनता को लाभ मिली थी लेकिन उसके बाद कोई लाभ नहीं मिला अभी स्थितियां हैं कि लोग जैसे घरों में आप देख रहे हैं कि घर में जो जैसे हैं वहाँ पर पड़े हुए हैं खाना नीचे मान लीजिए जिसका किचन है जिसका छत नहीं है तो उसको खाना बनाने में भी दिक्कत है जैसे तैसे जीवन अभी सबसे बड़ा चीज़ है कि जहाँ जीवन मतलब आम जंतुओं का खतरा है जंतु जीव जंतु अपना घुस जा रहे हैं बच्चे हैं घर में तो उनको भी परेशानी है डर है तो सरकार को इसको संज्ञान लेके कम से कम उनकी व्यवस्था के लिए लगना चाहिए और जो 2013 में व्यवस्थाएं दी गई थी जिन उन परिवारों को वो इस बार भी लागू करनी चाहिए अगर देखा जाए तो शहरी इलाके के निचले इलाकों में जब ये स्थिति है ग्रामीण इलाकों में क्या भयावह वहाँ पर तो मतलब अभी 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 मैं बता रहा हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ अगर इससे अगर 3 फीट और पानी बढ़ेगा 3 या नहीं 2 ही फीट तो पूरे शहर के इंटरनल पार्ट में जो बीच का एरिया है वहाँ तक पानी घर घर पहुँच जाएगा अभी तो थोड़ा सा नीचे है कि राहत है कि शहर में अब हम गाँवों की स्थिति समझ रहे हैं कि मतलब जो पानी का हाल है कि इतनी कटाव करके आ रही है कि पानी एकदम गंगा की पानी एकदम पीली हो चुकी है इतना कटाव आगे की भी स्थिति हो गाँव में अंदर घुस रही है लोगों के यहाँ भाई वहाँ पर तो मान लीजिए यहाँ पर शहर पर रोड पक्का है कहीं ऊंची जगह है जाके कहीं बैठ लेंगे वहाँ पर तो और बुरी स्थिति है वहाँ पर तो मान लीजिए झोपड़ी है उस पर जाके कहाँ बैठेंगे लोग तो बहुत बुरी स्थिति है वो आपके इलाके में ही वार्ड इलाके में ही ऐतिहासिक रामरेखा घाट है घाट की सुरक्षा और घाट पे सैकड़ों परिवार के लोग बेरोजगार हो गए हैं प्रशासनिक स्तर पर कुछ पहल आप लोग करेंगे बिल्कुल अभी तो देखिए आर्थिक स्थिति से सारे मतलब मध्यम वर्गीय लोग और लोअर मिडिल क्लास के लोग सारे लोग आर्थिक रूप से परेशान और इस पर से कि आपदा आ चुकी है तो इस पर सरकार को थोड़ा सा मजबूती से सोचना पड़ेगा और लोगों को के साथ कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा तो देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से बाढ़ का कहर बक्सर के शहरी निचले इलाके में अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है वहीं अभी थोड़ी देर पहले जो सेंट्रल जेल के चहारदीवारी के आसपास जिस तरह से गंगा का बाढ़ का पानी है जिस तरह से रामरेखा घाट पर अब लोगों को स्नान और पूजा पाठ में समस्या हो रही है सैकड़ों
परिवार के लोग वहां बेरोजगार हो गए हैं, 10 दिनों से कोई रोजगार नहीं है। वहीं ग्रामीण दियारा इलाकों में करीब करीब 100 गांव के लोग इतने परेशान हैं कि चारों तरफ से उनके गांव में पानी से घिर चुका है। पक्का भोजन के लिए अब लोग मोहताज होने लगे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन लगातार दावा कर रही है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तमाम तरह की सुविधाएं जल्द ही मुहैया कराई जाएगी। कैमरा पर्सन इंद्रकांत तिवारी के साथ बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर।